अगर आपने आज तक ऑनलाइन अर्निंग नहीं की है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या काम स्टार्ट करना चाहिए, कौन से ऑनलाइन अर्निंग के मेथड की तरफ जाना चाहिए, किस तरीके से वर्किंग करनी चाहिए, तो यही चीज़ें मैं आपको आज की स्टूडियो में बताने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिजराना, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, ये आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। आप हमेशा ये पूछते हैं कि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें कोई काम दे दीजिए जिसके ज़रिए हम घर बैठ के लाखों नहीं हज़ारों रुपये कमा सकें, कोई 5-6 हज़ार रुपये भी कमा लें तो हमारे लिए वो बहुत है। बट मैं जो आपको आज बताने जा रही हूँ, इसमें आपने 5-6 सौ नहीं कमाने हैं, दिन के आपने 5-6 हज़ार कमाने हैं बहुत आसानी से। लेकिन ये आप कमाएंगे कैसे, किस तरीके से आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है, फ्रीलांसिंग को शुरू करना है, कौन सा आपने फर्स्ट स्टेप लेना है, आज मैं इसी टॉपिक को कवर करने जा रही हूं। तो आज मैं उन फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रही हूं जो कि मुझे लगता है जो आपके सामने आते हैं और जिनकी वजह से आप पैसे नहीं कमा पाते, आप फ्रीलांसिंग नहीं शुरू कर पाते। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो ये है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज्यादा कमी है, आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं होते हैं, आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, यकीन मानिए आप नहीं कर सकते। जिस दिन आपने अपने दिल में, अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि सामने वाला बंदा कर सकता है, उसके कोई 4 हाथ नहीं है, 4 टांगे नहीं है, उसके कोई 4-5 दिमाग नहीं है, सब कुछ वही है जो कि मेरे पास है, तो अगर वो कमा सकता है, वो ये काम कर सकता है, तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। पैदाइशी तौर पर कोई भी काम सीख के नहीं आता, हर बंदे को सीखने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड से ये बात निकालनी है कि वो बंदा कमा सकता है, मेरे में इतनी पोटेंशियल नहीं है, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। जब तक आप ये बात को नहीं निकालेंगे, तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते, तब तक आप फ्रीलांसिंग को शुरू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस बात को अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम हर उस बंदे से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं जो कि आपके सामने बिल्कुल आपको प्रोफेशनल नज़र आता है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि उस बंदे ने भी जब काम स्टार्ट किया होगा, वो कोई प्रोफेशनल नहीं होगा, उसने टाइम के साथ साथ अपने प्रोफेशन में, अपने फील्ड में ग्रिप हासिल की है, तो आपको भी टाइम लगेगा लेकिन आप कर लेंगे। दूसरा फैक्टर क्या आ जाता है, अभी जो आपके दिमाग में चल रहा होगा मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, आप ये सोच रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, एक बंदा या एक क्लाइंट आता है मेरी किसी भी काम के हवाले से, तो वो आके क्या कहता है, तो वो आके कहता है, तो वो आके मुझे क्यों प्रेफर करेगा जबकि उसके सामने एक प्रोफेशनल दा बैठा है। तो वो आपको प्रेफर इसलिए करेगा क्योंकि आप अपने रेट्स कम रखेंगे, आप अपनी गिग को उससे ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, सर्चिंग SEO आपने अच्छी करके सिर्फ अपनी गिग को, अपने अकाउंट को, अपनी स्किल को लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद आपके पास क्लाइंट ज़रूर आएगा, और वो किस तरीके से आएगा, उसकी एक ही ट्रिक है कि आपने अपने रेट्स को कम रखना है। शुरू में आप ये सर्विसेज, कोई भी आपकी सर्विस है, लेकिन छोटी सर्विसेज की बात कर रही हूँ, बड़ी सर्विसेज में आपने ये काम नहीं करने, आप छोटी सर्विसेज के लिए अपने किसी जानने वाले से भी करवा सकते हैं, आप उसको पैसे दे के कह सकते हैं कि यार मुझे जो है ये ऑर्डर भेजो, उसके बाद मुझे रिव्यू करो, भले आप उसको खुद से पेमेंट कर दीजिए, बट ये भी रेयर केसेस में होता है। अगर आप अपनी गिग अच्छी बना लेते हैं तो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, आपको काम मिलता है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन आपको हर जगह पे फेस करना पड़ता है। तो आपने एक तो अपने दिमाग में से ये बात निकालनी है कि मैं नहीं कर सकता, आप लाजमी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये नहीं सोचना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन हर जगह पे बहुत ज़्यादा है, किसी भी फील्ड में चले जाएं, जॉब में जाएं, बिजनेस में जाएं, जॉब में से किसी भी कैटेगरी की जॉब निकाल के देख लें, हज़ारों लोग आपको उस जॉब के लिए विलिंग मिलेंगे। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपके बिज़नेस के हवाले से बहुत सारे पहले से ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वही वाला बिज़नेस बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाया हुआ होगा। अगर आप फ्रीलांसिंग में आते हैं, फ्रीलांसिंग में भी हर जगह पे आपको हर कैटेगरी के हवाले से प्रोफेशनल बंदे मिलेंगे। अब आ जाते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ, जिसमें मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी कि आपको कौन सी स्किल को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए जिनके ज़रिए आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मैं कमा रही हूँ तो आप भी कमा सकते हैं, अगर कोई और बंदा कमा रहा है तो आप भी कमा सकते हैं। हर वो बंदा आपके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए जो कि पहले से आपकी फील्ड में काम कर रहा है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, उससे मोटिवेशन लीजिए और सिर्फ ये सोचिए कि अगर वो बंदा कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ। अब मैं स्क्रीन की तरफ चलती हूँ और कुछ प्रूफ के साथ आपसे बातें करना चाहती हूँ जो कि आपका दिमाग खोल के रख देगी और आपका एक जो माइंडसेट बना हुआ है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकता, मैं फ्रीलांसिंग में नहीं आ सकता, मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो ये जो प्रूफ है ये आपका माइंड क्लियर कर देगी और इंशाल्लाह आप लाजमी इसके ज़रिए काम करना चाहेंगे और घर बैठ के पैसे कमाना लाजमी चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप आज से ही इसके ऊपर वर्किंग शुरू करेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे।
तो जी यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं फाइवर पे आई और आपको पता है ये सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है और यहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में स्किल्स मिल जाती हैं जिनके ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये ग्राफिक एंड डिज़ाइंस में देखा है, आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, आप इसमें से किसी भी एक स्किल को ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने जो सिखाई हुई है मैं आपको वो भी बताती हूँ, जिसका ज़्यादा पोटेंशियल है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप ये साथ के साथ नाम पढ़ते हुए जा रहे हैं, ये देखिए जैसे बुक डिज़ाइन, बुक कवर्स हैं, ये बहुत हाईली पेड स्किल्स हैं, यहाँ पर आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग, ये जो सेकंड में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये जो है ये सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि महंगी स्किल्स यहाँ पर हैं, आप ये वाली सर्विसेज सबसे ज़्यादा रेट्स में सेल कर सकते हैं, तो ये बात गलत नहीं है। ये आपको अच्छे खासे पैसे कमा के दे सकती है और इसको सीखने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। जो छोटी स्किल्स होती हैं वो तो आप घंटे दो में सीख जाते हैं और उसके बाद आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो स्किल हैं इनको सीखने में आपको तकरीबन हफ्ता दो लगेगा, लेकिन अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप अच्छे खासे यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये SEM है, SEO सर्विसेज आपने बेसिकली यहाँ पर देनी है। इसके अलावा दूसरी साइड पर अगर मैं आ जाती हूँ तो यहाँ पर आपको ये वीडियो मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इस तरीके की बहुत सारी स्किल्स मिल जाती हैं जिन पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। इसके हवाले से मैंने 2-3 कोर्सेज अपने चैनल पर भी शुरू किए हुए हैं, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पर आपको बेतहाशा स्किल्स मिल जाती हैं, इनको भी देखिए और जो आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है आप वो काम सीख के करिए। अब बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन वाले वर्क मैंने भी आपको सिखाए हुए हैं, अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी सारी बातों का कि आप किस तरीके से इन कामों को शुरू कर सकते हैं। अगर हम वीडियो और एनिमेशन में आए तो यहाँ पर वीडियो एडिटिंग, वीडियो इफेक्ट्स और ये इंट्रो आउट्रो वीडियोज और वीडियो टेम्पलेट्स, ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, आप इनके जरिए अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। म्यूजिक एंड मीडिया में आए तो म्यूजिक एंड मीडिया में ये वॉइस ओवर की सर्विसेज किस तरीके से दी जाती हैं, फीमेल वॉइस ओवर का या मेल वॉइस ओवर का, सिर्फ अपने आवाज रिकॉर्ड करके देनी है और उसके जरिए आपको 50 से 60 हज़ार रुपए मिलते हैं। जो टीवी कमर्शियल के एड्स चलते हैं, जो अक्सर कमर्शियल्स के एड्स चल रहे होते हैं, उसमें जो वॉइस रिकॉर्ड हुई भी होती है वो यहीं से फ्रीलांसर्स को हायर किया हुआ होता है, तो आप क्यों नहीं ये वाली सर्विसेज दे सकते हैं। फोटोग्राफर आप बन सकते हैं, फोटोग्राफी में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं, फोटोज़ की एडिटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की सिर्फ तस्वीरें खींच के आप उससे पैसे कमा सकते हैं, ये बहुत आसान काम है। अब ये करने कैसे हैं, किस तरीके से आपने इनको शुरू करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। 5 से 7 स्किल्स आप अपनी यहाँ पर दे सकते हैं, गिग्स बना सकते हैं, 5 से 7 काम आप एक ही टाइम में शुरू कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप वॉइस ओवर की सर्विसेज दीजिए, लेट्स सपोज आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे सकते हैं। ये किस तरीके से की जाती हैं मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, सिर्फ मैं आपको काम जो है बताती नहीं हूँ, आपको काम करके भी दिखाती हूँ ताकि आपके लिए कोई मसला नहीं हो और आप आसानी से बस सीखें और उसके बाद आप शुरू कर सकें। यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं, लेट्स सपोज मैं यूट्यूब पर आती हूँ और अपने चैनल को सर्च करती हूँ फ्रीलांसिंग विद, एक तो मुझे सब जो है ना वो शाजिया राना के नाम से पता नहीं क्यों सर्च करते हैं, शिजा राना मेरा नाम है। अच्छा खैर, ये देखिए मैं अपने चैनल पे आई, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आके यहाँ पर आप देख सकते हैं हर कैटेगरी के हवाले से आपको जो है वो प्लेलिस्ट मिल रही है, जिसमें मैंने ऑनलाइन कुरान पाक किस तरीके से पढ़ाया जाता है वो सिखाया हुआ है, टीस्प्रिंग से किस तरीके से कमाया जाता है, ये कंप्लीट कोर्स है, आप इसको देख के, इसको सीख के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स अभी चल रहा है, अमेज़ॉन का फ्री कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल एड्स के ज़रिए आप किस तरीके से कमा सकते हैं, ये वाला एक कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, ब्लॉगिंग का कोर्स चल रहा है यार, और टाइपिंग ऑनलाइन टाइपिंग वर्क जो कि आपका फेवरेट होता है, मैंने इतने सारे मेथड्स बताए हैं कि आप किस तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिंग करना भी सिखाया है और किन वेबसाइट्स पे जाके, किन कंपनीज़ को जाके और कहाँ कहाँ पर जॉब्स ऑफर हुई हुई होती हैं वहाँ पर जाके आपने अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। उसके अलावा ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में आपको सारे के सारे वो वाली स्किल सिखाई हैं जो कि छोटी छोटी हैं, जो कि आप सिर्फ 1-2 वीडियोज़ को देख के सीख के आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फेसबुक से आप किस तरीके से कमा सकते हैं, ये वाले मेथड आपको काफ़ी सारे सिखाए गए हैं। इसके अलावा ये कि आप यूट्यूब चैनल के आइडियाज़ मैंने आपको दिए हुए हैं कि अगर आप यूट्यूबिंग करते हैं तो कौन से चैनल्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे वो बताए हुए हैं, बहुत सारी अर्निंग वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें रियल अर्निंग ऐप्स के बारे में मैंने आपको बताया है जो कि बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड होती है, लेकिन मैंने आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं बताई जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, जो कि पाकिस्तान में वर्क करती हैं, आपको जैज़ कैश और ईजी पैसा में डायरेक्ट जो है वो पैसे देती हैं, कोई आपको
पायनियर बीच में अटैच नहीं करना पड़ता, और ये पाकिस्तान की नंबर वन ऐप्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके कोई 100-200 रुपये नहीं कमाते, आप यहाँ से 60-70-80 हज़ार रुपये महीने के आसानी से कमा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने कमाए भी हैं। अगर आप चाहें तो इन्हीं वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी आपको काम सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो बिल्कुल अथेंटिक और रियल होता है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई लगता है कि मैं कोई गलत काम बता रही हूँ या जेन्युइन नहीं है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर जाइएगा, क्योंकि ना तो मैं खुद कोई ऐसा गलत काम करना चाहती हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इस तरह का कोई काम करके अपना नुकसान करें या उनका टाइम भी वेस्ट हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का इतना ज़्यादा मेरे साथ ज्वाइन होना ये सिर्फ इसी बात का सबूत है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको यूट्यूबिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, और ये मेक मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी छोटी छोटी सी स्किल्स मिल जाती हैं जिनके ज़रिए आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें सिखाई गई हैं ये सब की सब विदाउट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं सिखाया गया जिसमें आपका एक रुपया भी लगता हो। तो 100 वीडियोस में सिर्फ एक या दो वेबसाइट्स कंपनीज ऐसी हैं जो कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मांगती हैं, और वो भी सिर्फ अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा कहीं पे भी आपको एक रुपया नहीं देना पड़ता। तो अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, इन वीडियोस को देखिए, यहाँ से काम सीखिए और इसके ज़रिए अर्निंग कीजिए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मुझे 2-3 महीने से देख रहे हैं, अगर वो देख के कमाना शुरू कर सकते हैं तो आप भी कमा सकते हैं। आई होप कि ये मोटिवेशनल बातें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। फ्रीलांसिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका हार्डवर्क, आपका पेशेंस, आपका वो पोटेंशियल चाहिए होगा जिसकी बात मैंने शुरू में आपसे की है। अगर आप अपने अंदर ये चीज़ें डेवलप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लाजमी कामयाब होंगे, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऑनलाइन अर्निंग के मेथड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।